दोस्तों, थंबनेल्स देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम यहाँ पर भिंडी बना रहे हैं। पर यहाँ पर ये नॉर्मल भिंडी नहीं है, यहाँ पर ये घी वाली हरियाली भिंडी हम बनाएंगे। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी ये भिंडी बन जाती है। और क्या है इसका हरियाली मसाला, ये भी हम ये वीडियो में देखेंगे। बिना प्याज बिना लहसुन की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्द बनने वाली ये भिंडी की सब्जी। नमस्ते दोस्तों, पारुल भानुशाली के चैनल में आपका स्वागत है। रोज नई वीडियो के लिए पारुल भानुशाली के चैनल को फॉलो करते रहिए और अपने फीडबैक आप मुझे देते रहिए। रोज नई वीडियो के लिए लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने सिर्फ एक चम्मच मतलब एक टेबल स्पून के जितना घी लिया। आप यहाँ पर तेल का भी यूज कर सकते हो। और इसके अंदर हमने है ना 300 से 350 ग्राम भिंडी को धोकर सुखा करके कट कर लिया। इसे हम है ना 2 से 3 मिनट तक सोते करेंगे, तब तक हम इसका हरियाली मसाला बनाते, जिसके लिए हमने एक मुट्ठी में आ जाए ना उतने सूखे हुए पुदीना के पत्ते लिए, आप फ्रेश भी ले सकते हो, और 4 से 5 हरी मिर्च लिए जो ज्यादा तीखी नहीं है। और हरी मिर्च को हम कट करके मिक्सर के जार में ले लेंगे। और एक मुट्ठी के अंदर आ जाए उतने हमने मूंगफली के दाने लिए हैं। और आधा इंच हमने यहाँ पर अदरक का टुकड़ा ले लेंगे। और यहाँ पर मैंने है ना 10 से 15 करी पत्ते भी ले लिए, ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में फायदा करते। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून के जितना हमने सौंफ लिया है, मेरे पास कद्दूकस किया हुआ है मतलब कि थोड़ा सा रफली पाउडर वाला। और यहाँ पर जो है ना अभी कैरी है तो मैंने समझ लीजिए यहाँ पर 2 चम्मच कैरी ली है। और यहाँ पर स्वाद अनुसार हम नमक ले लेंगे, आप चाहे तो कैरी के बदले में लास्ट में लेमन जूस भी ले सकते हो 2 टीस्पून। और यहाँ पर है ना हमने 2 मुट्ठी भर हरा धनिया और उसकी जो डंडिया थी ना वो भी ली है। और इसे हम बिना पानी डाले ही एक रफली मतलब पेस्ट बना लेंगे। अब हमने यहाँ पर जो है ना भिंडी हमारी समझ लीजिए कि 50% सोते हो चुकी है, तो 1 चम्मच हमने सफेद तिल ले लिया है। सफेद तिल जो है ना वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और यहाँ पर अब हम ले लेंगे स्वाद अनुसार नमक, हम इसमें हल्दी या लाल मिर्च नहीं ऐड करने वाले हैं। और यहाँ पर हमने लिया है बहुत ही कम मतलब कि 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा और 1/2 टीस्पून से कम उतना ब्लैक सॉल्ट। अब ये सारी सामग्री को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये सब्जी जो है घी में बनती है बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। अब जो हमने जो पेस्ट बनाई है ना हरियाली हमारी, वो ले लेंगे करीब से करीब यहाँ पर 300 से 350 ग्राम भिंडी है तो हमने यहाँ पर 4 चम्मच जितनी जो हमने पेस्ट बनाई है ना पूरी मुट्ठी भर, जैसे कि हमने मिंट लीव जो 2 मुट्ठी हमने हरा धनिया वो सारी इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि सारा जो टेस्ट है ना ये हरियाली मसाले का है। अगर आप यहाँ पर ऊपर से सेसमे सीड के साथ और हरा धनिया भी पसंद करते हो तो वो भी ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हो। तो देखा ना दोस्तों, बहुत ही कम समय बहुत ही कम सामग्री वाली एकदम अलग तरीके की हरियाली भिंडी तैयार है। और ये बहुत जल्दी बन भी जाती है और घी वाली है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। और घी जो है हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही फायदेमंद है और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा ये एकदम टेस्टी है। और इसे हमने है ना काट के 10 मिनट के लिए खुला रख देंगे ना तो ये पूरे ड्राई हो जाते हैं और ना देखिए इसमें चिपचिपापन। तो आप भी जल्दी से ये रेसिपी ट्राई करिए और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर जल्दी मिलेंगे और नए वीडियो के साथ।